नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आपको बता दें कि उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है और उनकी कुर्सी भी जा सकती है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी बीच जेएमएम के सभी विधायकों को शाम तक रांची पहुंचने का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल भी दिल्ली से झारखंड के लिए रवाना हो चुके हैं, तो इस वक्त राजनीतिक हलचल झारखंड में बहुत तेज है और अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं हेमंत सोरेन के लिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोपों पर अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। उधर झारखंड में अब इसके बाद हलचल तेज हो गई है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने अपने सभी विधायकों को शाम तक रांची पहुंचने का आदेश दिया है। राज्यपाल रमेश बैस भी दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी बीच हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर वैधानिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है और उनके करीबियों के घर अभी हाल फिलहाल में ईडी का छापा भी पड़ा था, जहां पर अवैध हथियार मिले थे, AK-47 मिले थी। तो फिलहाल चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय जो भेजी थी, अब उस पर कार्रवाई की जा सकती है। बीजेपी की ओर से दायर की गई इस याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा जारी करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजा था और अब चुनाव आयोग ने उनको अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद अब राज्यपाल बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर है और हेमंत सोरेन की सरकार मुश्किल में नजर आ रही। हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और उनकी कुर्सी चली जाएगी। दरअसल झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद के आरोप लगे थे। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। अब निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपनी राय राज्यपाल को भेजी है और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल बीजेपी वहां पर पूरी तरीके से तैनात है और बीजेपी कहीं भी अगर उसको मौका दिखता है तो वो भी सरकार बनाने के लिए निश्चित तौर पर पूरा प्रयास करेगी। अभी तो खबरें यही हैं कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की जा सकती है, उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और जेएमएम जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है उसने अपने सभी विधायकों को रांची बुला लिया है और उन राज्यपाल भी झारखंड के रांची पहुंच चुके हैं और शाम तक बहुत बड़ी खबर झारखंड से आ सकती है।